कोरोना काल के दौरान जिला कुल्लू में साहसिक गतिविधियों को भी हरी झंडी मिल गई है, तो वहीं पर्यटकों का भी आना जाना शुरू हो गया है। कुल्लू मनाली आ रहे पर्यटक अटल रोहतांग टनल के साथ साथ व्यास नदी पर अटखेलियां करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लाहौल घाटी में कुछ दिनों पहले हुई बर्फबारी का दीदार करने के लिए भी पर्यटक लाहौल पहुंच रहे हैं। अटल टनल रोहतांग के साथ साथ कुल्लू मनाली में व्यास नदी पर पर्यटक खूब अटखेलियां करते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों को सिसु की सुंदरता देखकर कश्मीर जैसा एहसास हो रहा है। पर्यटक बर्फबारी का भी यहां पर खूब आनंद ले रहे हैं। वहीं कुल्लू जिला में पर्यटक रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों के आने से रेहड़ी फड़ी वालों का काम भी शुरू हो गया है, जिससे अब वे दो वक्त की रोटी कमा सकते हैं। रेहड़ी चला रही महिला ने बताया कि 7 माह के बाद उनका काम शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते उन्हें काफी परेशानियां झेलनी पड़ी। उन्होंने कहा कि इस दौरान काम न होने की वजह से जो धन कमाया था वे सब खर्च हो गया है। उन्होंने कहा कि अब दोबारा से कार्य शुरू हुआ है, जिससे वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे कोरोना महामारी को देखते हुए प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का भी पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं। जी, काफ़ी टाइम तक तो हमारा जैसे बंद रहा, 7-8 महीने के बाद हमारा जैसे काम निकला हुआ है, जिस कारण हमें जो है 6-7 महीने तक बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और जो अभी है हमारा थोड़ा बहुत चला हुआ है हमारा कार्य वगैरह, तो इसके साथ हम जैसे पूरा सामाजिक दूरी बनाए रखे हैं, हम रखी है हमने सबके साथ, और जो है सैनिटाइजर का पूरा उपयोग कर रहे हैं और मास्क वगैरह मतलब लगाया हुआ है। बहुत कम है, जैसे उतना तो हम उतना तो अभी कार्य हमारा अच्छे ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर भी चलो थोड़ा बहुत चला हुआ है। वहीं सैलानी भी कुल्लू मनाली की सुंदरता को देखकर काफी खुश दिखे। सैलानियों ने कहा कि कुल्लू मनाली काफी अच्छी जगह है। उन्होंने कहा कि कुल्लू मनाली में वे रिवर राफ्टिंग का भरपूर आनंद ले रहे हैं। मनाली जब हमने ये टूरिस्ट के लिए सोचा था कि हम जाएंगे बाहर घूमने के लिए, तो हमारे मन में सिर्फ कुल्लू मनाली आया। और यहाँ के पहाड़ बहुत अच्छे हैं, यहाँ की लोकेशन बहुत गजब है, इमेजिंग है। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, हेम सिंह जो हमारे बोट राइडर थे, ये बहुत ही अच्छे लड़के हैं, बहुत ही अच्छे इमेजिंग हैं। इन्होंने हमारा बहुत साथ किया और बहुत ही हमें इमेजिंग कराया। और यहाँ पे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। बेस्ट तो सबसे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा माल रोड है यहाँ पर, और ये जो हमने राइडिंग की है ये भी बहुत अच्छा है, राफ्टिंग जो की है। हमारा नेक्स्ट जो टूर है हमारा अटल टनल है, उसके बाद फिर देखते हैं और भी कई जगह है, वहाँ पे भी हमें जाना है, म्यूजियम भी जाना है। म्यूजियम का भी बहुत अच्छा सुना है, क्रेज है, बहुत अच्छा है, जैसा हमने एक्सपेक्ट करा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर आने के बाद हमें बहुत नया नया एक्सपीरियंस मिला और हम दोबारा भी यहाँ पर आना चाहेंगे। वेरी नाइस नेचर। जेड़ा भी बंदा आए और जरूर इस जगह राइड करके जावे, ठीक है। कुल्लू मनाली इज द बेस्ट, ठीक है, तसल्ली है पूरी, ठीक है। लॉकडाउन बहुत वधिया माहौल है, माहौल भी वधिया है, फुल चिल्ड है, बर्फ भी देखी है, सब कुछ देखा है, और राइडिंग भी पूरा एंजॉयबल ही है, और पाजी ने भी सानू वधिया गाइड कीता, बहुत रीजनेबल प्राइस दे विच सानू पूरी राइड कराई है, ड्राफ्टिंग कराई है, और असि बहुत एंजॉय करके आए हैं। वहीं रिवर गाइड ने बताया कि विंटर सीजन में कुल्लू मनाली में काम कम रहता है और पर्यटक भी कम आते हैं। उन्होंने कहा कि समर सीजन में मार्च अप्रैल के बाद काम ठीक होता है। उन्होंने कहा कि अब धीरे धीरे पर्यटक कुल्लू मनाली आ रहे हैं और उनका काम भी धीरे धीरे चल रहा है। हिसाब से आप देख सकते हैं यहाँ पे विंटर सीजन है कुल्लू मनाली में, तो आजकल उतना काम थोड़ा कम रहता है, टूरिस्ट कम चलता है, तो समर सीजन में मार्च अप्रैल के बाद काम ठीक रहता है, तो आजकल उतना काम है नहीं, कम है थोड़ा। तो क्या आप देख सकते हैं कि मतलब लॉकडाउन के बाद, कोरोना के बाद, मतलब जैसे ही लॉकडाउन निकला तो ओपनिंग हुई, तो उसके बाद काम भी कम ही है। काम तो निकल जाएगा जैसे धीरे धीरे टूरिस्ट आएगा कुल्लू मनाली में। सिटी चैनल के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट।